नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारतीय रेल आज 28 सितंबर और कल 29 सितंबर 2022 से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन अचानक रद्द कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 28 सितंबर और 29 सितंबर से चलने वाली रद्द की गई सभी ट्रेनों के नाम, नंबर, ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती थी और इन सभी ट्रेनों को क्यों रद्द किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रेन संख्या 05234 05233 समस्तीपुर बरौनी, बरौनी समस्तीपुर पैसेंजर, ये ट्रेन 28 सितंबर 2022 को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 05236 05235 सोनपुर बरौनी, बरौनी सोनपुर पैसेंजर, ये ट्रेन 28 सितंबर 2022 को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03379 बरौनी पटना पैसेंजर, ये ट्रेन 28 सितंबर को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03295 बरौनी पटना पैसेंजर, ये ट्रेन 29 सितंबर और 28 सितंबर को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03380 पटना बरौनी पैसेंजर, ये ट्रेन 29 सितंबर और 28 सितंबर को रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03368 सोनपुर कटिहार पैसेंजर, ये ट्रेन 29 सितंबर और 28 सितंबर को रद्द रहेंगी। आपको बता दें, सोनपुर मंडल के हाजीपुर और बछवारा में चल रहे दोहरीकरण के कार्य के चलते इन सभी ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। ट्रेन संख्या 03284 पटना बरौनी पैसेंजर का आंशिक समापन 28/9/2022 को हाजीपुर में किया जाएगा। तो दोस्तों, हाजीपुर बछवारा स्टेशन के बीच हो रहे दोहरीकरण कार्य के चलते इन सभी ट्रेनों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके वजह से ये सभी ट्रेन 27, 28 और 29 को नहीं चलेंगी। आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।